हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निकुमा। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरू करेंगे आज के वीडियो को। कल जो भी मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनके लेवल्स के साथ में, उसके एनालिसिस के साथ में, तो गाइज़ आज मैंने आप लोगों को जैसे मार्केट ओपन हो गया था, आई मीन उसका ओपन होने से 5-10 महीने पहले ही, यानी कि जो प्री मार्केट का सेशन है, वो प्री मार्केट क्लोजिंग के बाद में मैंने आप लोगों को आज पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे कि आज के दिन में बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अपसाइड में होने वाला है। डेफिनेटली देख लीजिए, इसमें काफ़ी अच्छा खासा जो है आप लोगों को अपसाइड वाला मूव जो है देखने को मिला है। अब इसको मैंने प्रेडिक्ट कैसे किया था, क्या किया था, सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे गाइस। अब देख लो, पहले तो मैं आप लोगों को एक दूसरा वाला चार्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, जो कि मैंने पोस्ट किया था आप लोगों के लिए। तो गाइज देख लीजिए, यहाँ पे इस लेवल में मेरा प्रिडिक्शन ये था कि यहाँ से ये नीचे गिरेगा और इस लेवल से ऊपर जाएगा, या फिर इस लेवल से ऊपर जाएगा, और जब जाएगा तो ये मेरा टारगेट 1 था और ये मेरा टारगेट 2 था। तो ये मेरा प्रोजेक्शन था 36,003, यानी कि 36,000 का एक राउंडेड अप वैल्यू का मेरा जो है वो प्रोजेक्शन था, और मैं वेट कर रहा था इसमें एंट्री आने का। तो इसमें हुआ क्या गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, ये था मेरा टारगेट 1 जो मैंने आप लोगों को ऊपर दिया है, ये लेवल था। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इसके ऊपर ओपन हो गया, मतलब इसके ऊपर ओपन हो गया, तो मुझे पता है कि इसको टारगेट 2 पे जाना तो है ही, ऊपर अपसाइड का मूव जो है इसमें आने वाला है। लेकिन गाइस इसमें एक चीज़ को समझ लीजिए, इसमें कोई एंट्री पॉइंट नहीं था यहाँ पे, लेकिन मुझे कन्फर्मेशन कब मिला, जब इसने यहाँ पे आकर के मेरे टारगेट 1 जो कि नीचे से जाने वाला था, तो इसको रेजिस्टेंस फेस करने वाला था, इसलिए ये मेरा टारगेट 1 था। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, इसके ऊपर ओपनिंग दे दिया। तो क्या होता है गाइस कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस। तो आप जब कभी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चले जाते हो, तो जो रेजिस्टेंस था वो आपके लिए भी सपोर्ट का काम करने वाला है। तो उस थ्योरी के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे नीचे आने के बाद में एग्जैक्टली मेरा जो टारगेट का लेवल था, इस लेवल से इसने रिजेक्शन लिया। तो ये था मेरा बाय का एंट्री, जहाँ पर मैंने एक सी साइड का कॉल दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप में, इस टारगेट के साथ में। इसके ऊपर भी ये ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने इस लेवल पर इसको एग्जिट कर दिया था, जो कि इस लेवल में हम लोग काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट जो है वो मिले थे। क्योंकि देख लीजिए 35,720 का ये लेवल था, 720 से लेके 36,000 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स, यानी कि 150 से 180 पॉइंट का मूव जो हम लोगों को सीई के चार्ट पे मिला था, ऑप्शन पे, जो कि काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम था। अब दूसरी चीज़ देखने वाली ये है गाइस कि मैं अपने लेवल्स को मैजिकल लेवल्स इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को इस लेवल पे बाय बताया था। देख लीजिए, ये हमारी फर्स्ट कैंडल जो है एग्जैक्टली इसी लेवल से बनना शुरू हो गई। ये 5 मिनट का चार्ट है, ऑप्शंस में थोड़ी सी एग्रेसिव ट्रेडिंग की जाती है, तो फिर टाइम फ्रेम जैसे जैसे कम आ जाओगे, वैसे वैसे आप लोगों को एग्जैक्टली इसी लेवल पे एंट्री मिलेगी। देख लीजिए, ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को दिया था, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, लेकिन लगातार ये इस रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये इसको ब्रेकआउट देने वाला है। ब्रेकआउट देने के बाद में इसने नीचे आकर के रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यूज़ किया, रिस्पेक्ट किया, और आप लोगों को अपसाइड में ब्रेकआउट दे दिया, जो कि निफ्टी का काफ़ी शानदार जो है आप लोगों को आज के दिन में अपसाइड वाला मूव देखने को मिला है। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये कैसे है। अब ये क्यों था गाइस, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को आप लोग ओपन करके देख लीजिए, यहाँ पे कई सारे बार बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया था। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है ये, मैंने मतलब इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजी थी कि ये ऊपर की साइड में चला गया और ऊपर की साइड में से फिर नीचे आ गया, बस इतनी एक छोटी सी इसमें साइकोलॉजी थी। अब गाइज इसके बाद में मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक्स भी दिए थे, यानी कि मैं रोज़ आप लोगों को 3 स्टॉक्स देते रहता हूँ। आप लोगों को ये भी कहा था कि गाइज इसी स्टॉक्स पर आप लोग अपने स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आज 17,000 रुपये से भी ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट है ऑप्शंस बाइंग में, यानी कि जो स्टॉक ऑप्शन है इसके बाइंग में। इससे अप्रोक्सीमेटली कैपिटल 1,00,000 रुपये का लगता है गाइस। एक लॉट 30,000 का भी मैं अगर कंसिडर कर लूँ तो भी तीनों को मिला करके 90,000 लगता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 रुपये का अगर आपका कैपिटल हो, तो उस हिसाब से आप लोग को कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये मैं अपने हर वीडियो में बताना मैंने अभी शुरू कर दिया। तो आज के दिन का प्रॉफिट हमारा 17,000 रुपये से ज़्यादा है।
तो एशियन पेंट की ये पहली कॉल थी, इस लेवल के ऊपर आप लोगों को बाई करना था, लेकिन ये बाई हुआ नहीं। तो थोड़ा बहुत जो प्राइस एक्शन है आप लोगों को भी आना चाहिए गाइस। तो देख लीजिए ये ऐसा गया था, और ये देख ली, इसे कहते हैं बुलिश पेनेंट, और पेनेंट का ब्रेकआउट जब यहाँ पे इस लेवल पे हो गया तो आप लोग इसकी सी में एंटर कर सकते थे। सी आप 3000 की ले सकते हो या फिर 3100 की ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, या तो इन द मनी या तो एट द मनी। आउट द मनी में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाती है, तो मैं कहूँगा आप लोगों से इसमें ट्रेड ना करें। काफ़ी शानदार इसमें प्रॉफिट हुआ था आज के दिन में, हम लोगों एटलीस्ट 8 to 9000 रुपीज़ का हम लोगों को इसमें प्रॉफिट हुआ था। सेकेंड कॉल जो गाइज मैंने आप लोगों को दी थी, ये थी ट्रेंड की। ट्रेंड में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था गाइज, आप लोगों को 5 मिनट की कैंडल के ऊपर बाइंग करना था। यहाँ पे देख लीजिए इसका जो टॉप फेस कर रहा था उसका भी ब्रेकआउट इसने दे दिया, और ऊपर से ऊपर जाने के बाद में इसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ करके अपसाइड में इसने अच्छा खासा ब्लास्ट दे दिया। इसमें भी गाइज आप लोग 1000 की इसकी कर सकते हो, या फिर 960 940 जो भी अवेलेबल है इन द मनी या फिर एट द मनी पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी शानदार इसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए गाइज, सीधा टारगेट के ऊपर खुली थी, यानी कि बाइंग नहीं थी इसमें कुछ भी। इसके ऊपर अगर जाती थी तो फिर हम लोग सोच सकते थे बाइंग के बारे में, लेकिन किसी भी कैंडल ने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया है, ये डाउन साइड में आ रही थी। लेकिन मैंने आप लोगों को लेवल बहुत नीचे दिया था, ये लेवल में जो एक्सपर्ट्स है वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे पीई में, लेकिन जिसको पता नहीं वो लोग नहीं ट्रेड कर सकते थे। लेकिन जिसको पता नहीं वो भी 2285 के लेवल के नीचे ट्रेड कर सकते थे, और देख लीजिए कितना शानदार इसमें फॉल हुआ है। इसकी भी पीई पे आप लोग ट्रेड कर सकते थे आराम से, 17 से 18 हज़ार रुपये का जो प्रॉफिट है इन लेवल्स पे आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि बाकी का एनालिसिस जो भी है इन स्टॉक्स पे वो सारा कर चुका हूँ। तो गाइज इसी के साथ ही 103 एपिसोड्स तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं है, सॉरी 104 एपिसोड्स तक कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं है। कोशिश करूंगा 365 एपिसोड्स ऐसे बनाऊं कि जिसमें कोई स्टॉप लॉस ना हो, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट को जुआ कहते हैं उनको भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल मिल जाए कि अगर आप लोग सही से सारी चीज़ें करते हो, सही से सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हो, स्टॉक्स को एनालिसिस करते हो, तो शेयर मार्केट एक बिजनेस है, ये कोई जुआ है नहीं। इसी के साथ ही गाइज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी सॉरी कुछ वीडियो कुछ कॉल्स दिए थे, उनके बारे में भी आज बताऊंगा कि उनमें आज ज़्यादा मोमेंटम क्यों आया था। लेकिन गाइज 104 एपिसोड तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइज, क्योंकि आपके वीडियो के लाइक्स जो होते हैं और जो कमेंट्स होते हैं वही मेरा फ्यूल है, उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो लाइक करना मत भूलिए गाइज, जो भी चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ही कोई यूट्यूब पर ऐसा चैनल होगा जो इस टाइप की एक्यूरेसी जो है वो आप लोगों को देता होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी एक्यूरेसी सबसे बढ़िया है, लेकिन ये कहूँगा ज़रूर कि इतने फ्री वाले अच्छे कॉल्स कोई देता नहीं है। एक्यूरेसी सबकी अच्छी होती है, मुझसे भी बेहतरीन एनालिस्ट है मार्केट में, यूट्यूब पे भी है, लेकिन वो प्रीमियम के लिए कॉल्स रखते हैं, अच्छे कॉल्स यहाँ पे नहीं दिए जाते। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरे प्रीमियम के कॉल्स जो होते हैं उन्हीं में से 3 कॉल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे देते रहता हूँ, वो भी टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में। तो गाइस लाइक करना मत भूलिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को जो भी एजुकेशनल सीरीज़ में पोस्ट करूँगी यहाँ पे इनके अपडेट्स मिल सके। साथ ही अगर आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है अभी तक, तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं जो भी अपने बेहतरीन कॉल्स वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ इनके अपडेट्स आप लोगों को तो मिल सके। तो गाइस देख लीजिए ये बालाजी अमाइंस है। तो पहली चीज़ तो ये है गाइस कि कल के दिन के लिए एक न्यूज़ था स्टॉक मार्केट में रिलेटेड, कि चाइना से जो भी केमिकल्स या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके इंपोर्ट्स में कुछ इश्यूज आ गए हैं। तो बाला अमाइंस जो है, बालाजी अमाइंस जो है, तो इसमें इन लोगों का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1400 करोड़ से बढ़ गया है इस साल के लिए, प्रॉफिट का या फिर जो भी इनका टर्नओवर का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गया है। तो ये स्टॉक आज के दिन के लिए अप ट्रेंड में एक्सपेक्टेड था। BASF भी सेम टाइप की कंपनी है, तो इसमें भी सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अगर सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं आपके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कहीं पे भी उछल कूद कर लो। जब तक आप लोगों को एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलता है, तब तक आप लोगों को इस पर ट्रेड नहीं करना होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने फ्राइडे को भी इस पर ट्रेड किया था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स हम लोगों को मिले थे, जो कि इंट्राडे में बहुत अच्छा मैं कहूँगा हम लोगों को मूवमेंट मिला था। तो आज देख लीजिए गाइज, ये यहाँ पे देख लीजिए बालाजी अमाइंस यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे आने के बाद में देख लीजिए यहाँ ने इसने
शार्प आप लोगों को ये एक फ्लैग पैटर्न दिया था, देख लीजिए यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन गया था आप लोगों के लिए, ये ऐसा एक फ्लैग बन गया था। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं तो कुछ मुझे मिल जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे इसने एक आप लोगों को फ्लैग पैटर्न बना के दिया था, और जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा था तब इस लेवल पे आप लोग वॉल्यूम को भी देख लीजिए। वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप लोग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो। ब्रेकआउट ट्रेड पर अगर वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी आ गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को इस लेवल पे इसको बाई करने को दिया था जो कि 3939 का लेवल था। तो मैंने 1-2 रुपये बफर में 3941 पे आप लोगों को बाई करवाया था, और देख लीजिए इसने आज 4080 का हाई लगाया, मतलब आज भी 130 से 140 पॉइंट जो हम लोगों को इंट्राडे में मिले हैं इसमें। सेम चीज़ थी गाइस BASF के बारे में, ये सेम कंपनी भी है, मुझे पता नहीं था कि ये भी सेम टाइप की कंपनी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा गूगल करने के बाद में फिर पता चला, फिर मैंने इसको रडार पे रख दिया था। तो देख लीजिए ये जो कंपनी है इसका अभी मैंने 15 मिनट्स पे रखा है, पहले बालाजी अमाइन जो है उसको 5 मिनट्स पे रखा था, अभी इसको मैंने 15 मिनट्स पे रखा है। तो 15 मिनट्स देख लीजिए यहाँ पे एक आप लोगों को एक अच्छी सी बुलिश कैंडल मिल रही, लेकिन मैं यहाँ पे बाई नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है ये फेस करने वाला था। तो दूसरी जो कैंडल यहाँ पे बनी है गैज, ये काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल बनी है। जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, यानी कि देख लीजिए इस टाइप की कैंडल की दोनों साइड से इसको वीक है और बीच में एक छोटी सी बॉडी है, इसका मतलब यहाँ से इसको सेलिंग प्रेशर है, यहाँ से बाइंग प्रेशर है। छोटा सा चीज़ है आप लोगों को पता होगा, फिर भी आप लोग क्या करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ट्रेडिंग करते टाइम पे कभी ध्यान नहीं देते। और मैं वेट कर रहा था कि देख लो यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये जो इसका जो भी रेजिस्टेंस है इसको भी ये ब्रेकआउट दे देगा। तो फिर मैंने क्या किया इसको ट्रेड करने के लिए, इसको मैंने ये लेवल निकाल दिया, और यहाँ पे एक बड़ा सा बोल्ड करके लाइन आपको दिख रहा होगा, तो मैंने ये एक लाइन इसके वॉल्यूम को लगा दिया। इसके जो नीचे के साइड में वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम का लाइन लगा करके रखा हूँ। इस प्राइस को थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए, इस वॉल्यूम की तरफ देख लीजिए। फिलहाल मेरा चार्ट जो यहाँ पे सेट है, तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली देख लीजिए इस लेवल पे कई सारे ये जो वॉल्यूम कैंडल्स है ना, इसका एनगल्फिंग कैंडल बन रहा। तो मेरे पास ये एक कन्फर्मेशन था, फिर देख लीजिए ये वाले दो कन्फर्मेशन थे मेरे पास, फिर ये और एक कन्फर्मेशन मेरे पास था, और ऊपर से वो न्यूज़ वाला और एक कन्फर्मेशन था। तो मेरे पास चार कन्फर्मेशन थे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कॉल दी थी। और 3519 से लेकर के आप लोगों को इसने आज जो हाई लगाया था वो, एक मिनट में आपको एग्जैक्ट फिगर बोलता हूँ, इसने आज देख लीजिए 3649 का हाई लगाया था, मतलब इसमें भी 120 130 पॉइंट जो है आज आप लोगों को इंट्राडे में देखने को मिले। तो इस टाइप से आप लोगों को जो भी एनालिसिस करोगे गाइस वो आप लोगों को करना पड़ेगा, सिर्फ न्यूज़ है, इसीलिए किसी पे बाई मत कीजिए, इसी पे ट्रेड मत कीजिए। तो चलिए देखेंगे कल के कॉल्स के लिए कि कल के दिन के लिए मेरे बेहतरीन कॉल्स कौन से रहेंगे। तो पहली कॉल रहेगी HCL टेक की। HCL टेक को गाइस हम लोग बाई कर सकते हैं 1166 के ऊपर 57 के स्टॉप लॉस के साथ में, 70 73 और 77 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। अब एक चीज़ को ध्यान में रख लीजिए गाइस कि आप लोगों को जो भी आपका एंट्री है या फिर स्टॉप लॉस है, दोनों चीज़ें आप लोगों को 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग पे रखनी है, ताकि पिन से जो भी आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स ना आ जाए। अब 15 मिनट्स पे इसको मैंने इसीलिए कन्वर्ट करके रखा हुआ है, आप लोगों को अभी पूरा क्लियर पिक्चर आपके सामने है, आप खुद भी ऐसा एनालिसिस कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट हो गया, तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। डेफिनेटली अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में हो जाएगा, और अगर इसी लेवल से रिजेक्शन आ गया तो भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगा, आप लोग को डेफिनेटली डाउन साइड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देखने को मिलेगा। 1157 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 66 के स्टॉप लॉस के साथ में, 55 52 और 48 आप लोगों के लिए डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा है, जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इसे हम लोग एक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला लाइन है। अब देख लीजिए MGL का भी सेम सीन है यहाँ पे, MGL को थोड़ा सा और छोटा करके देख लीजिए गाइस क्या हो गया था MGL में। MGL में एक यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके ये ऊपर चला गया था, लेकिन ये अगर ऊपर चला गया है तो देख लीजिए यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड लाइन नीचे के साइड से जा रहा था। ये ट्रेंड लाइन इसके लिए था, ये दो पॉइंट्स के लिए था, तो जाहिर सी बात है इसके लिए नीचे गया, तो यहाँ से जो सपोर्ट था तो सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, इसका मतलब है कि यही सपोर्ट जब ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे है,
और इसको बाई कर सकते हैं आप लोग 1141 के ऊपर 30 के स्टॉप लॉस के साथ में। 45, 48 और 52 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे आप लोगों के लिए। और बाइंग नहीं आती है यहाँ से, अगर रिजेक्शन ले लेता है तो स्ट्रांग फॉल इसमें आ सकता है। 1130 के नीचे हम लोग इसे सेल करेंगे 41 के स्टॉप लॉस के साथ में। 28, 25 और 21 आप लोगों के लिए डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। इसके बाद में गाइज जो थर्ड कॉल रहेगी, तो यहाँ पे देख लीजिए गाइज, एक डबल बॉटल वाला आप लोगों को फॉर्मेशन दिख रहा है, जो कि मेरा फेवरेट फॉर्मेशन है। इसमें मैं कई ज़्यादा बार ट्रेड करता हूँ, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है हम लोगों को। तो देख लीजिए, ये है PVR का चार्ट, 15 मिनट पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 1341 के ऊपर आप लोगों को इसे बाई करना है 28 के स्टॉप लॉस के साथ में। 44, 49 और 53 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इनकेस बाइंग नहीं आती है तो 28 के नीचे हम लोग इसे सेल करेंगे 40 के स्टॉप लॉस के साथ में। 25, 22 और 18 आप लोगों के लिए डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। इसके बाद में गाइज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। सारे लेवल्स जो है गाइज मैं आप लोगों को दिखाते रहता हूँ फ्यूचर के चार्ट पे, तो आप लोगों को एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये स्पॉट के लेवल्स नहीं है, आप लोगों को स्पॉट पे इसे अप्लाई नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है गाइज, तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग ऑन ऑप्शंस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी, यू कैन ट्रेड ऑन फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स में टाइम डिके कम होता है, इसीलिए आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शंस में थोड़ा बहुत टाइम डिके की वजह से प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर कैपिटल छोटा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग CEP पे फिर भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यही लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं और ये मेरे मैजिकल लेवल्स हैं। तो गाइज़ ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, इसे आप लोग 16,960 के ऊपर बाई कर सकते हैं फ्यूचर पे। 17,038, 78 और 134 अपसाइड में लेवल्स रहेंगे आप लोगों के लिए। 16,900, 869, 834, 801 और 756 आप लोगों के लिए डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। और गाइज अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं और मेरे प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए LSBlue के जो लिंक है उसके थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे ब्रोकरेज बाकी के ब्रोकर्स के मुकाबले भी कम है और साथ में हैंडलिंग भी उसका जो है वो स्मूथ है और अकाउंट ओपनिंग जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मेरी प्रीमियम सर्विसेज से जो भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अकाउंट ओपन करके मेरी प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। चलिए देखेंगे अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के भी गाइज ये लोग ये फ्यूचर के लेवल्स है, और देख लीजिए यहाँ पे एक डबल टॉप वाला फॉर्मेशन है, तो अगर इसके लो के नीचे आ गया तो एक स्ट्रांग सेल साइड वाला आप लोगों को मूव जो वो देखने को मिल सकता है। कल के दिन में 1 सितंबर को गाइज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट ट्रेडिंग, तो हो सकता है कल के दिन में वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मार्केट में आ जाए। रिक्वेस्ट करूँगा छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिए। तो 36,400 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगी। 343, 280, 212 और 125 डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। इनकेस बाइंग नहीं आती है तो 530 के ऊपर हम लोग इसे बाई कर सकते हैं। 602, 669, 739 और 841 आप लोगों के लिए अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो गाइज़ ये थे मेरे बेहतरीन तीन कॉल्स, साथ ही मैंने आप लोगों को कुछ लॉजिक्स भी बताया है। आज मेरे जो ज़्यादा फास्ट तेज दौड़ने वाले जो स्टॉक्स थे उनका लॉजिक भी बताया है, उनका सेक्टर का भी क्या एनालिसिस मैंने किया था सुबह या फिर कल के दिन में वो भी बताया। तो कुछ सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट जो है गाइज़ वो 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में 1-2 महीने में सीखने वाली चीज़ है नहीं, कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। तो अगर आप लोग तुरंत से डिसअपॉइंट होने वाले लोग हैं तो फिर आप लोगों को खुद के इमोशंस में थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि 1-2 महीने में एक्यूरेसी नहीं आती है, एक्यूरेसी आने को बहुत टाइम लगता है। तो फिर पेपर ट्रेडिंग कीजिए या फिर छोटे से क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते रहिए। ट्रेड को स्टॉप मत कीजिए गाइस, क्योंकि एक्चुअल ट्रेड में जो एक्सपीरियंस आता है, जो फियर होता है आप में, जो इमोशंस आते हैं उन पे, जो कंट्रोल आता है आप लोगों को, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक्चुअल ट्रेडिंग में होती है। पेपर ट्रेडिंग में इतनी सारी चीज़ें होती नहीं है। पेपर ट्रेडिंग में गाइस ट्रस्ट मी 10 दिन भी जिसने स्टॉक मार्केट में किया उसका भी एक्यूरेसी 90% का मिल जाता है, लेकिन जब वो बंदा एक्चुअल ट्रेड करना लग जाता है तो 10% का भी उसका एक्यूरेसी नहीं रहता है, ये हकीकत है। सारी चीज़ों में से मैं खुद जा चुका हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो बीच में ट्रेडिंग बंद कर देते हैं,
उनके लिए फिर स्टॉक मार्केट में कोई फ्यूचर नहीं रहता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस लगते हैं। आप लोग जैसे स्टडीज़ कर रहे थे, आपके जो भी कॉलेज लाइफ हुआ होगा, आपका जो भी डिग्री हुआ रहेगा, तो जैसे आप लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है उसको, और तब जाकर के आप लोग अपने करियर में सेटल हो गए। सेम स्टॉक मार्केट में होता है गाइस, आप लोगों को टाइम देना होगा, आप लोगों को लर्न करना होगा, आप लोगों को मेहनत करनी होगी, तभी जा करके आप लोग यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। ओके गाइज, तो आप लोगों को मैंने अपने तीन कॉल्स दिए हैं बेहतरीन, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देके रखे हुए, इनके साथ में कल के दिन के लिए सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।